हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स और मेरे मित्रों और प्यारे अजीज दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एस के स्टडी पॉइंट 964 पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष जनरल साइंस का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आ रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। हम आज पाचन तंत्र की बात करेंगे। तो पाचन तंत्र क्या होता है, आप सभी को मालूम है, जो कुछ हम ग्रहण करते हैं उसको अपना ये जो तंत्र है वो आसानी से पचा देता है, वही क्या अपना पाचन तंत्र है। अब हम बात करें, हम जो ग्रहण करते हैं वो हमें कैसा भोजन ग्रहण करना चाहिए, तो वो अपना भोजन है उसे बोलते हैं हम संतुलित भोजन। संतुलित भोजन, हमें कैसा भोजन ग्रहण करना चाहिए, संतुलित भोजन ग्रहण करना चाहिए। संतुलित भोजन क्या है, ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व उपस्थित हों, उसे आप कौन सा भोजन कहोगे, संतुलित भोजन। ऐसा भोजन जिसमें भोजन या जब ये कहें सभी पोषक तत्व प्रेजेंट हो, उसे हम कहेंगे संतुलित भोजन। तो संतुलित भोजन है, इसकी डेफिनेशन हम क्या रखेंगे कि ऐसा भोजन या ऐसा पोषण जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित है। ऐसा पोषण या ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हों, उसे आप कौन सा भोजन कहोगे, संतुलित भोजन कहेंगे। उसे हम कौन सा भोजन कहेंगे, संतुलित भोजन कहेंगे। आखिर में संतुलित भोजन के मुख्य छह अवयव हैं। संतुलित भोजन के मुख्य कितने अवयव हैं, छह। एक नंबर पे कौन सा है अपना, कार्बोहाइड्रेट। दो नंबर पे अपना है वसा। तीन नंबर पे अपना है प्रोटीन। चार नंबर पे अपना है विटामिन। पांच नंबर पे अपना है खनिज लवण। और छह नंबर पे अपना है जल। एक नंबर पे क्या था, कार्बोहाइड्रेट। दो नंबर पे क्या था, वसा। तीन नंबर पे क्या अपना, प्रोटीन। चार नंबर पे क्या अपना, विटामिन। और पांच नंबर पे अपना क्या है, खनिज लवण। और लास्ट कौन सा अपना, जल। तो ये भोजन के छह अवयव हैं। कई बार ये कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि संतुलित भोजन के मुख्यतः कितने अवयव होते हैं, तो आप क्या कहोगे, छह होते हैं। संतुलित भोजन के कितने अवयव हैं, टोटल छह हैं। तो देखो यहाँ पहला जो है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, तीसरा क्या है प्रोटीन। इन तीनों से हमें क्या प्राप्त होती है दोस्तों, ऊर्जा। आगे अपना विटामिन, जो हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, मन विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन करता है, विटामिन। जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप कहोगे सर रतौंधी होता है, रात को दिखाई नहीं देता है। तो विटामिन ए है अपने को कौन से रोग से सुरक्षा कर रहा है, रतौंधी से कर रहा है। बी है वो किससे करेगा, बेरीबेरी से। सी किससे करेगा, स्कर्वी से, मसूड़ों में खून वगैरह आना। डी विटामिन डी है, हड्डियां कमजोर हो जाना, रिकेट्स जिसको कहें। इसी प्रकार विटामिन ई की बात करें, बंधेस्थता से रिलेटिव है। विटामिन के की बात करें, रक्त का थक्का नहीं चलना। तो ये विटामिन है अपने को रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। विटामिन्स का अपने शरीर में संचय नहीं होता है, हमें प्रतिदिन विटामिन्स की आवश्यकता होती है। फिर करें खनिज लवण, तो खनिज लवण में मुख्य रूप से आपको पता, आप सभी नमक ग्रहण करते हैं, तो एक तो सोडियम आयन है, एक कौन सा है, क्लोरीन आयन। ये आयंस है वो अपनी बॉडी में विभिन्न प्रकार के संतुलन बनाए रखने का क्या करते हैं, कार्य। अगला है जल, तो अपनी ये कहें हम जल अपने शरीर के लिए अति आवश्यक है। एक व्यस्त मनुष्य में की बात करें
तो उसके शरीर में लगभग 65 से 70% जल होता है, और प्रत्येक कोशिका है उसके अंदर क्या होता है, जीवद्रव्य होता है। जीवद्रव्य का प्रमुख जो भाग होता है वो जल होता है। जीवद्रव्य में 75 से 85% जल होता है। तो उत्सर्जन जैसी क्रियाएं करने के लिए अपने को किसकी आवश्यकता होगी, जल की आवश्यकता होगी। अब नहीं बात कि आपको सर्वाधिक ऊर्जा कौन से पोषक तत्वों से या कौन से भोजन से प्राप्त होगा, वसा को हम ग्रहण करें, 1 ग्राम वसा से लगभग 9.45 किलो कैलोरी प्रति ग्राम प्राप्त होगी। 1 ग्राम से कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, 9.45। दो नंबर पे आपको 5.1 के समथिंग ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, प्रोटीन से, और कार्बोहाइड्रेट से आपको 4.1 के समथिंग क्या प्राप्त होगी ऊर्जा। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होगी, आपको वसा से प्राप्त होती है। फिर दो नंबर पे आपको ऊर्जा किससे प्राप्त होगी, प्रोटीन से होती है, और तीन नंबर पे आपको किससे ऊर्जा प्राप्त होगी, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हम नई बात करेंगे, क्या बात करेंगे, नहीं तो देखो हम पढ़ेंगे पाचन की परिभाषा, पाचक डाइजेशन। हम पाचन की बात, पाचन क्या, जो हम ग्रहण करते हैं वो कैसा भोजन है, जटिल है, वो कैसा है, ठोस है, वो कैसा है, घुलनशील है, ऐसा है तो भोजन हम ले रहे हैं। अब जो पाचन तंत्र है इसमें विभिन्न प्रकार की क्या होते हैं, एंजाइम होंगे, और ये एंजाइम क्या करेंगे, भोजन के जटिल अणुओं को तो किसमें चेंज करेंगे, सरल में, ठोस अणुओं को किसमें चेंज करेंगे, तरल में, अघुलनशील को किसमें चेंज कर देंगे, घुलनशील में बदल देते हैं, और अवशोषण योग्य बना देते हैं। ये संपूर्ण क्रिया क्या कहलाती है, अपनी पाचन। दोबारा सुनना, पाचन है, इसके डेफिनेशन आप क्या दोगे, जो आप भोजन ले रहे हो भोजन कैसा है, जटिल है, ठोस है, अघुलनशील है, विभिन्न एंजाइमों के माध्यम से ये किसमें टूट जाएगा, जटिल तो किसमें रूपांतरित होगा, सरल में, ठोस किसमें रूपांतरित होगा, तरल में, और अघुलनशील किसमें रूपांतरित होगा, घुलनशील में, और अवशोषण योग्य बन जाएगा। ये संपूर्ण क्रिया किसको दर्शाएगी, पाचन को। ये पाचन की एक छोटी और सटीक परिभाषा है। अब पाचन तंत्र की बात करें कि पाचन तंत्र कौन कौन से भागों से मिलकर बना होता है, तो पाचन तंत्र दो भागों से मिलकर बना होता है प्यारे दोस्तों। पहला भाग है आहार नाल, दूसरा भाग है सहायक पाचक ग्रंथि, सहायक पाचक ग्रंथि। आहार नाल की उत्पत्ति की बात करें, आहार नाल की उत्पत्ति की बात करें कि इसका निर्माण एम्ब्रियो के कौन से भाग से हुआ या कौन से स्तर से हुआ है, तो इसका निर्माण दो स्तरों से हुआ है, एक्टोडर्म और दूसरा है या एंडोडर्म। मानी आहार नाल की उत्पत्ति की बात करें कि आहार नाल का जब निर्माण हुआ तो एम्ब्रियो के कौन से स्तरों से हुआ, कौन से भागों से हुआ, तो दो भाग थे, एक तो एक्टोडर्म, दूसरा कौन सा था, एंडोडर्म। अब ये कहें मुख से लेकर कठोर तालु तक, मुख से लेकर कठोर तालु तक जो आहार नाल है उसका निर्माण किससे हुआ था, एक्टोडर्म से। भाई आहार नाल कहाँ से स्टार्ट होगी, मुख से, तो मुख से लेकर कठोर तालु तक का निर्माण किससे हुआ, एक्टोडर्म से। आगे हम बताएं कि कोमल तालु से लेकर मलाशय तक इसका निर्माण किससे हुआ, एंडोडर्म से।
आगे बात करें गुदिये नाल से लेकर गुदा तक का निर्माण दोबारा किससे हुआ? एक्टोडर्म। इस प्रकार आप कह सकते हो कि जो हार नाल है कंप्लीट, उसकी निर्माण या उत्पत्ति भ्रूण के या इंब्रियो के दो स्तरों से हुई है। वो पहला है एक्टोडर्म, दूसरा एंडोडर्म। एक्टोडर्म है वो किसका निर्माण करेगा? मुख से लेकर कठोर तालु तक का, और कोमल तालु से लेकर मलाशय तक का निर्माण कौन करेगा? एंडोडर्म। और गुदीय नाल से लेकर गुदा तक का निर्माण कौन करेगा? दोबारा एक्टोडर्म करेगा। ये इसकी उत्पत्ति है। अब बात करें कि एक वयस्क मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो 8 से लेकर 10 मीटर तक, 8 से लेकर 10 मीटर तक। लेकिन आपको ये पूछा जाए कितनी फीट होती है, तो 33 फीट हो। कितनी फीट होती है? 33 फीट होती है। नई बात करें इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो मुख से लेकर गुदा भाग तक पाई जाने वाली नली का रूपी कुंडलित संरचना। मुख से लेकर गुदा भाग तक पाए जाने वाली नली का रूपी कुंडलित संरचना क्या कहलाती है? आहार नाल का। क्या कहलाती है? आहार नाल कहलाती है। लंबाई कितनी बताए इसकी? 8 से 10 मीटर। फीट में कितने बताएंगे? 33 फीट। अब हम नई बात करेंगे यहाँ कि आहार नाल में कौन कौन से भाग लेंगे। तो एक तो आएगा इसमें मुख, दूसरा इसमें मुख गुहा, तीसरा इसमें गर्सनी, चार नंबर पे इसमें ग्रास नाल, पांच नंबर पे इसमें आमाशय, छह नंबर पे इसमें छोटी आंतर, सात नंबर पे इस पे आएगा बड़ी आंतर, आठ नंबर पे मलाशय, और नौ नंबर पे आएगा गुदा। ये आहार नाल के विभिन्न भागों का क्रम है। पहला क्या आएगा? मुख, दूसरा मुख गुहा, तीसरा घर्षणी, चार नंबर पे क्या है? ग्रास नाल, पांच नंबर पे क्या? आमाशय, छह नंबर पे क्या? छोटी आंतर, सात नंबर पे बड़ी आंतर, आठ नंबर पे मलाशय, और नौ नंबर पे गुदा। मलाशय को भी हम बड़ी आंतर के अकॉर्डिंग काउंट करें तो यहाँ टोटल कितने भाग होंगे? 8। और लिखे तो टोटल भाग कितने होंगे? 9 होंगे। अब हम आहार नाल से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं वो सीखेंगे कि आहार नाल से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो वेरी वेरी मोस्ट हैं, जो आपने कुछ क्वेश्चनों के बारे में आप जानते हो, बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में आपने पढ़ा ही नहीं होगा। तो वो क्वेश्चन यहाँ देखिए, बहुत अच्छे हैं कंपटीशन एग्जाम की तरफ से। तो देखो आहार नाल से संबंधित क्वेश्चन मैं यहाँ पुटअप कर रहा हूँ जो आपको अच्छी तरह से आने चाहिए और याद भी होना चाहिए। पहला क्वेश्चन लिखे हम, मानव में आहार नाल की लंबाई कितनी हो? तो अपना आंसर क्या आएगा? 8 से 10। दूसरा, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा? आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो अपना आएगा छोटे आंतर।
और छोटी आंत्र का भी कौन सा भाग है? इलियम भाग। अगला क्वेश्चन, आहार नाल के किस भाग में जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है? तो अपना आंसर आएगा बड़ी आंत्र। इस भाग में बड़ी आंत्र। अगला क्वेश्चन लिखे हम, आहार नाल के किस भाग में आहार नाल के किस भाग में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है? तो आंसर आएगा ग्रहणी। अगला क्वेश्चन है अपना, आहार नाल के किस भाग में भोजन का कोण पाचन होता है? तो वो आएगा जेजुनम, जो छोटी आंत्र का एक भाग है। जेजुनम छोटी आंत्र का एक भाग है जहां भोजन का पूर्ण पाचन होता है। अगला क्वेश्चन लिखे हम, आहार नाल के किस भाग में भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है? वो भी अपना जेजुनम। आहार नाल के किस भाग में भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है? वो भी जेजुनम, जो छोटी आंत्र का एक भाग है। अगला क्वेश्चन, आहार नाल के किस भाग में सर्वाधिक कर्मा पूंचनी गति होती है? तो आएगा अमावस्या। अगला क्वेश्चन, आहार नाल के किस भाग में सबसे कम कर्मा पूंचनी गति होती है? वह है मलाशय। अगला क्वेश्चन, आहार नाल के किस भाग में भोजन का पाचन नहीं होता है? वो है अपनी कृष्णिका, जिसे आप ग्रास नाल भी कह सकते हैं। आहार नाल के किस भाग में भोजन का पाचन नहीं होता, वो है कृष्णिका, जिसे हम क्या कह सकते हैं, ग्रास नाल भी कह सकते हैं। तो अभी तक 9 क्वेश्चनों के बारे में हमें पता चल गया है। मानव के आहार नाल की लंबाई कितनी है? 8 से 10 मीटर। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा? छोटी आंत्र। आहार नाल के किस भाग में जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है? बड़ी आंत्र में। आहार नाल के किस भाग में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है? ग्रहणी में। आहार नाल के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? जेजुनम में। आहार नाल के किस भाग में भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है? जेजुनम में। आहार नाल के किस भाग में सर्वाधिक कर्माकुंचन गति होती है? अमाशय में। आहार नाल के किस भाग में सबसे सबसे कम सबसे सबसे कम सबसे कम
कुंचनी गति होती है वह मला से आर नाल के किस भाग में भोजन का पाचन नहीं होता, गर्सिका या ग्रास ना। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है अपना, अगला क्वेश्चन अपना 10 नंबर का देखो। 10 नंबर का क्वेश्चन अपना, आहार नाल का सबसे चौड़ा थैले नुमावा कौन सा, तो वो अपना आंसर आएगा अमास्य। प्यारे दोस्तों आज इतनी चर्चा करेंगे, कल हम पाचन तंत्र का प्रथम भाग पढ़ेंगे। आप सभी अपने YouTube चैनल पे बने रहें और आप इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।